दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेसलिंग की दुनिया के उस शख्स के बारे में जिसकी खतरनाक आंखें और जोरदार पंच के सामने कोई भी नहीं टिकता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 27 सालों तक रेसलिंग की दुनिया पर राज करने वाले द अंडरटेकर की, जिनका असली नाम मार्क विलियम कैलवे है। दोस्तों अप्रैल 2017 में भले ही अंडरटेकर ने रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन वह अपने चाहने वालों के बीच हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने 90 और उसके बाद के दशक में अपना बचपन देखा है, उनके लिए रेसलिंग एक खेल से कहीं बढ़कर था। ये वो दौर था जब लोगों में क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी रेसलिंग में हुआ करती थी, और तभी से रेसलिंग के खेल में बहुत सारे रेसलर्स आए और चले गए, लेकिन अंडरटेकर की दीवानगी कभी भी कम नहीं हुई। अंडरटेकर ने अपने करियर में 4 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके अलावा वे 2007 के रॉयल रंबल विजेता भी रह चुके हैं। रेसलमेनिया में लगातार 21 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी अंडरटेकर के नाम ही है। तो चलिए दोस्तों, रेसलिंग की दुनिया के लीजेंड द अंडरटेकर की लाइफ को हम शुरू से जानते हैं। अंडरटेकर का जन्म 24 मार्च 1965 को टेक्सास के हॉस्टन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक कॉम्प्टन कैलवे था, जिनकी मृत्यु 22 जुलाई 2003 को हुई। अंडरटेकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वॉल्ट्रिफ हाई स्कूल से की, जहां वे फुटबॉल और बास्केटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी थे। 1983 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर एंजेलिना कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने अपने बास्केटबॉल के खेल से सबको प्रभावित किया, जिससे आगे चलकर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन उनका हट्टा कट्टा शरीर उन्हें रेसलिंग में आने को उकसा रहा था, इसीलिए 1984 में वे वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग से जुड़ गए, जहां वे अपने रिंग नेम टेक्सास रेड के साथ रिंग में उतरे। लेकिन वे अपना पहला ही मैच ब्रूसर ब्रॉडी से बुरी तरीके से हार गए, जिसके बाद उन्हें लगा कि वे रेसलिंग के लिए अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बॉडी पर काम करना शुरू किया और 4 सालों तक जी जान लगाकर ट्रेनिंग ली। 4 साल बाद उन्होंने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर से रिंग में वापसी की, जिसके बाद द मास्टर ऑफ पेन नाम के साथ उन्होंने 1 अप्रैल 1989 को यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में उन्होंने जेरी द किंग लॉलर को हराया था। 5 अक्टूबर 1989 को एक बार फिर से द पनिशर नाम के साथ उन्होंने रिंग में कदम रखा और एरिक एम्ब्री को हराकर टेक्सास हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। और फिर अगले साल 1990 में उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला ऑन कैमरा मैच 22 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में खेला, जिस मैच में सिर्फ 1 मिनट में ही उन्होंने कोकोबी वारे को हरा दिया। आगे भी उनके जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा और उन्होंने टगबोट, जिमी सनुका और हल्क होगन जैसे धुरंधरों को भी मात दी। अंडरटेकर इकलौते ऐसे रेसलर हैं जो लगातार 22 महीनों तक किसी भी फाइट में नहीं हारे, लेकिन एक मैच में योकोजुना ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर शवपेटी में पटक दिया, जिसके बाद 7 महीनों तक अंडरटेकर को रिंग से बाहर रहना पड़ा। 2008-09 तक अंडरटेकर शॉन माइकल को कभी भी सिंगल मैच में नहीं हरा पाए थे, और इस बात को लेकर शॉन हमेशा उन्हें उकसाते रहते थे, जिसके बाद रेसलमेनिया 25 में दोनों का सामना हुआ और आखिरकार उन्होंने शॉन माइकल को हराकर उनकी बोलती बंद कर दी। इस मैच को लोगों और मीडिया द्वारा काफी पसंद किया गया था। दोस्तों रेसलमेनिया में ही अंडरटेकर के नाम लगातार 21 मैच जीतने का रिकॉर्ड है, लेकिन अप्रैल 2014 में ब्रॉक लेसनर से हारने के बाद अंडरटेकर की यह विजयी पारी थम गई, जिसके बाद उन्हें अपने करियर के लास्ट मैच में भी रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस से हार का सामना करना पड़ा और अंत तक उनका विनिंग स्कोर 23-2 हो गया।
27 साल के करियर में अंडरटेकर ने कुल 2274 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1717 मैच जीते, जबकि 466 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाकी बचे हुए 91 मैच ड्रॉ रहे। दोस्तों, अंडरटेकर ने 1991 के बाद कभी भी WWE के अलावा किसी रेसलिंग कंपनी के साथ काम नहीं किया और इसी वजह से वे WWE के मालिक विंस मैकमैन के सबसे चहेते बने रहे। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 27 साल के करियर में अंडरटेकर की ऐसी बहुत सी यादें हैं जो उनके चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।